Hello students, welcome to the channel CT Commerce Concepts, and today we are going to start with a subsection of the previous topic. In my last video we have completed theoretical part of national income, जिसमें हम लोगों ने कुछ formulas पढ़े थे, GDP, NDP, यानी कि उसमें आपको मैंने सारी चीजें explain करी थी कि कभी भी factor cost, depreciation, net flow, net income from abroad, ये सारी चीजें आ जाए तो इसको कैसे हम लोग solve करेंगे. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने सब कुछ उसमें एक्सप्लेन किया है. तो इस वीडियो को करने से पहले आप मेरा लास्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो आज हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि न्यूमेरिकल्स, आज हम लोग नेशनल इनकम के कुछ न्यूमेरिकल्स, बेसिक न्यूमेरिकल्स को करेंगे, और कुछ जो बोर्ड को बोर्ड जो 2018-19 में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन को भी हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट स्टार्ट. ओके, तो हेयर इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप कि विजिबल होगा, थोड़ा सा उसको मैं बड़ा कर देती हूँ. ओके, सो द फर्स्ट इज कैलकुलेट द वैल्यू एडेड एट द मार्केट प्राइस ऑफ अ फर्म. ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोग ने तीन मेथड पढ़े थे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है, वो मेथड अगर आपको अच्छे से लर्न है कि हर मेथड में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तभी आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि क्वेश्चन को किस मेथड से करना है. ओके, तो ख्याल, हालांकि इसमें आपको मेंशन दिया हुआ है कि वैल्यू एडेड मेथड एट द प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ अ फर्म. ओके, तो इसमें क्या दिया है, सेल, चेंज इन स्टॉक, डेप्रिसिएशन, एनआईटी, यानी कि मोस्टली चीज इसमें आपको दी हुई है. मैंने क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से आपसे स्टार्ट किया है ताकि आपको बेसिक से चीजें जो है वो समझ में आए. ओके, तो इसमें क्या, नेट वैल्यू एडेड एट द मार्केट प्राइस ऑफ अ फर्म, चलिए करते हैं. ओके, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है, यही बोला गया है हमें निकालने को. तो इसको निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जब हम क्या करते हैं अपने इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देते हैं. तो और इसके बाद मैंने क्या बताया था कि अब इसमें पहले ये देखिए कि जो चीजें इसमें पूछी गई है वो आपको गिवन है कि नहीं. वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको लगेगा नहीं इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, अभी हम निकाले कैसे. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने का तरीका क्या होता है, कि हम वैल्यू ऑफ आउटपुट पहले निकालेंगे. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, आपको सेल्स दिया है, चेंज इन स्टॉक दिया है, कुछ याद आया तो क्या करेंगे, सेल दिया हुआ है तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक. सेल कितना दिया था आपको, 400, ठीक, चेंज इन स्टॉक कितना दिया है, -20, तो प्लस माइनस माइनस 20, और ये कितना आ गया, 380. ठीक है, क्लियर हुआ कि अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, हम सेल देखेंगे, सेल दिया हुआ है उसमें, ठीक है, सेल से क्या करेंगे, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, और ये सारे फॉर्मूले मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को कराए हुए हैं. ठीक है, तो सेल 400 में से 20 माइनस करेंगे, दैट इज 380. ओके, नाउ कम टू द, हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गई, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितने है, रुपीज 380 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया हुआ है, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कितना है, 250, कितना आया, रुपीज, ओके, 150. सॉरी, ओके, सो 130 इज द आंसर. ठीक है, ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. अब इसमें लेकिन निकालना क्या था हमको, अभी हमारे ये नहीं आया है ग्रॉस वैल्यू एडेड, लेकिन हमको इसमें निकालनी क्या है, हमको निकालना है नेशनल इनकम, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, ये तो एक मेथड है नेशनल इनकम को निकालने के. तो ये तो हमने अपने उस मेथड से ग्रॉस वैल्यू एडेड तो निकाल लिया, लेकिन हमको निकालना क्या है, नेशनल इनकम. अच्छा, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लिया, यानी कि अब हम क्या निकालेंगे, इसकी नेट वैल्यू एडेड है मार्केट प्राइस. तो नेट वैल्यू एडेड निकालेंगे तो आपको ग्रॉस वैल्यू तो दी हुई है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और क्या करेंगे, माइनस
डेप्रिसिएशन क्यों किया है माइनस डेप्रिसिएशन, समझ आया? आप किससे जा रहे हैं, ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं, ठीक है। माइनस डेप्रिसिएशन तो कितना आ गया, 130 माइनस 30 दैट इज रुपीज 100। ओके क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन, कैलकुलेट जीएनपी एट एनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है आपको एट मार्केट प्राइस। चलिए क्या क्या दिया हो, डोमेस्टिक इनकम और वी कैन से दैट एनडीपी एट एफसी 3200, डेप्रिसिएशन आईटी एनएफआईए। ओके यानी कि आपको गिवन किया है, पहले ये देखिए कि आपको गिवन किया है और क्या क्या चीजें दी हुई है, ठीक है। तो आपको एनडीपी दिया हुआ है और जीएनपी निकालना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एनडीपी दिया हुआ है और एनडीपी दिया हुआ है और जीएनपी निकालना है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको कहां से कहां जाना है, ठीक है। चलिए जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू क्या दिया है, एनडीपी एट एफसी दिया हुआ है, लिख लेंगे एनडीपी एट एफसी प्लस क्या करेंगे, अब नेशनल से ग्रॉस पे जा रहे हैं प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक, डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं प्लस एनएफआईए, ठीक है, फिर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं तो क्या होगा, प्लस एनआईटी, ठीक, कर ले हम 3200 प्लस डेप्रिसिएशन कितना दिया है 400 प्लस एनएफआईए कितना दिया हुआ है 50 एंड प्लस 70 3720, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया है कि इसको हमने क्वेश्चन को कैसे किया है। ओके कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करिएगा कि बस आपने ऐसे से काउंट किया हो गया। हाँ जरूरी ये भी है कि ज्यादा टाइम टेकन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए कि ज्यादा ऐसा ना हो कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में कैलकुलेशन निकाल दें और पता चला मैंने ये अभी जैसे जल्दी जल्दी निकाल दिया, हो सकता हो 3620 हो, ठीक है, तो ये गलती मत करिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, किसी भी न्यूमेरिकल को निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स को निकाल रहे हैं तो ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि उसको जो आंसर है ना उसको अलग से मेंशन करिएगा, क्योंकि जब बोर्ड में कॉपीज चेक होती है तो उसमें न्यूमेरिकल्स में वो सबसे पहले नजर आपके आंसर पे जाती है, और वो नजर कब जाएगी, जब आप उसको हाईलाइट करोगे। आप उसको कैसे भी हाईलाइट कर सकते हैं, ये भी अब इतना भी मत कर देना कि पता चला आगे पीछे सब आपने कलरफुल कर दिया। हाईलाइट ऐसा होना चाहिए कि या ब्लैक से लिख दें उस आंसर को, या उसको अंडरलाइन कर दें या बॉक्स बना दें, आप जिस तरीके से अच्छे से आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो हाईलाइट करने पे क्या होता है कि सबसे पहले उस पर नजर जाती है, वो आंसर चेक करते हैं, और फिर अगर इनकेस आपका आंसर गलत होता है फिर वो स्टेप मार्किंग पे देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत कहाँ हुआ, उसके बेसिस पे जो है वो आपको स्टेप मार्किंग के मार्क्स दिए जाते हैं। ओके सो क्लियर हो गया होगा, नाउ कम टू द नेक्स्ट, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम और एनडीपी एट एफसी, यानी कि इसमें क्या निकालना है, एनडीपी एट एफसी निकालना है, यानी कि अभी जो हमने क्वेश्चन किया था इसमें हमने जीएनपी एट एमपी कैलकुलेट करना था और एनडीपी एट एफसी दिया हुआ था। चलिए यानी कि ये तो बहुत इजी हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कितने बच्चे आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताते हैं, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल जस्ट लास्ट क्वेश्चन हमने जैसे सॉल्व किया है बिल्कुल उसकी तरह ही है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप नेशनल से ग्रॉस पे जा रहे हैं, ग्रॉस से नेशनल पे जा रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं। अगर आप इस सारी चीजों को कंसिडर करेंगे तो आपका आंसर बहुत इजीली निकलेगा। तो इसका आंसर अब आप लोग मुझको देंगे। नाउ कम टू द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है जो आपका लास्ट ईयर जो है बोर्ड में आया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझिए कि क्या है, उसके बाद जो है हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। Given the following data, find the value of
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। नाम सुनते ही क्या याद आ गया? कह रही ये तो हमने पढ़ा था। पढ़ा तो था लेकिन कहाँ पढ़ा था? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड है। ऑपरेटिंग सरप्लस ये क्या है? इनकम मेथड है। यानी कि एक ही क्वेश्चन में आपको दो मेथड से क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि आपको एक्सपेंडिचर मेथड का भी दिया गया है, इनकम मेथड का भी दिया गया है। यानी कि उन दोनों चीजों के जो कंपोनेंट्स है वो इस क्वेश्चन में दिए गए हैं मिक्स करके। यानी कि इन्होंने इस क्वेश्चन को भरता बनाया है। अब आपको बैगन अलग करना है और आलू अलग करने हैं, ठीक है? तो क्या हो गया, इसमें एक्सपेंडिचर मेथड हो गया और इनकम मेथड हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़ के ये देखते हैं कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स कौन से मेथड के हैं, ठीक है? तो फर्स्ट इज नेशनल इनकम। क्वेश्चन देखते ही मत चकराइएगा कि अरे यही तो निकालना था और ये गिवन कैसे है, ठीक है? नेशनल इनकम दिया हुआ है। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरी, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, सॉरी इनकम मेथड। नेक्स्ट आ गया प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, एक्सपेंडिचर मेथड, एनआईटी दिया हुआ है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, दिया हुआ है आपको, एक्सपेंडिचर मेथड है ये भी आपका। डेप्रिसिएशन, ओके, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, एक्सपेंडिचर मेथड, मिक्सड इनकम, इनकम मेथड, ऑपरेटिंग सरप्लस, इनकम मेथड, ठीक है, और नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, रेंट, इनकम मेथड, नेट, ओके। तो यानी कि आपको इसमें आधी चीजें सब कंफर्म हो गई हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम लोग। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें कि पैप क्या है। सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं क्योंकि हमको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है। अब GDCF निकालना है और नेशनल इनकम दिया हुआ है। क्वेश्चन को देखते ही कंफ्यूज मत होइएगा, जो हमने स्टार्टिंग से आपको बोला है, जो गिवन है उसमें से ही आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। चलिए तो हम लोग भी पहले हम एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड आते ही आपको चार चीजें पता होनी चाहिए कि वो कौन सी चार चीजें थी जिनको हम ऐड करते थे। तो वो चारों चीजें क्या थी? पहला होता था आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक। दूसरा क्या होता था? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस थर्ड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट। लेकिन जब हम ये चारों चीजों को ऐड करते थे तो क्या निकलता था? तो निकलता था GDP एट MP, ठीक है। तो हमारे पास तो ना ये है ना ये है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ओके, एक्सपेंडिचर मेथड से है, ठीक है। तो ये पहले हम क्या निकालेंगे, हम इसमें निकालेंगे GDP एट MP, जो हम निकालते थे, ठीक है। यानी कि GDP से NNP पे हमें कहां पे जाना है? NNP एट FC पे जाना है, ठीक है। कहां पे जाना है? NNP एट FC पे जाना है। NNP एट FC मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका नेशनल इनकम, ठीक है। तो GDP एट MP से कैलकुलेट करें, तो GDP MP NNP FC, क्योंकि हमको गिवन है। ये थोड़ा गंदा हो गया। चलिए स्टार्टिंग से करते हैं, थोड़ा साफ साफ लिखेंगे इस बार, ठीक है। तो ये क्या हुआ? GDP MP, ठीक है। आपको गिवन क्या था? नेशनल इनकम गिवन थी, यानी कि NNP FC, ठीक है। अब NNP से नेट से ग्रॉस, यानी कि क्या होगा आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए, प्लस डेप्रिसिएशन माइनस NFIA और प्लस NIT। अभी मैं बार बार नहीं बताऊंगी कि ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि जब आप नेशनल से ग्रॉस पे जा रहे हैं, नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका?
प्लस डेप्रिसिएशन माइनस एन एफ आई एन प्लस एन आई टी होगा. चलिए हमको एन एन पी एड एफ सी दिया हुआ था, कितना गिवेन था हमको 22,100 प्लस डेप्रिसिएशन. क्वेश्चन को यही सॉल्व कर लेना था, आप लोगों को क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही होगी. ठीक है, प्लस डेप्रिसिएशन 500, ठीक, माइनस एन एफ आई ए, माइनस 150 दिया हुआ है ये. ठीक है, तो माइनस 150 हो गया ये एन एफ आई ए, एंड प्लस एन आई टी कितना दिया हुआ था आपको 700. ठीक, तो ये कैलकुलेट करेंगे कितना आया, 22,100 प्लस 500 प्लस 150 एंड प्लस 700, तो 7850 साहब से 8, 9, 10, 11, 12, 1350 1350 और ये हो गया 23,450. ठीक है, तो ये आपका क्या है, जीडीपी एट एमपी. ठीक है, तो ये कितना आ गया 23,450. मैं क्वेश्चन एक्चुअली यही सॉल्व करती हूँ क्योंकि फिर जो सॉल्यूशन में जो है वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बार बार क्वेश्चन को बैक करके देखना पड़ रहा है. और आप इस चीज को नोट करते जाइएगा, ठीक है, और फिर मैं इसको इरेज कर दूंगी क्योंकि. चलिए ओके, ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला, फिर हमने क्या निकाला, जीडीपी एट एमपी. चलिए यहां लिख लेते कितना आया, जीडीपी एट एमपी 23,450. ठीक है, 23,450 आ गया. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आप क्या निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, है ना. तो कैसे निकालेंगे, अभी बताया था चारों चीजों को ऐड करते हैं, तो हम वही चारों चीजों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ठीक है, चलो ऐड करें, यानी कि ये तो हमारा आ गया 23,450. ठीक है, 23,450 आ गया. अगर इनकेस आपको कुछ लिख ऐसा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा हो कि जो मैं लिख रही हूँ क्लियर नहीं है, बट याद रखिएगा जो भी मैं बोल रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मेरे बोलने में कोई मिस्टेक नहीं है. ठीक है, तो जो भी हम चारों चीजें उसको ऐड करेंगे, यानी कि क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. ठीक है, यानी कि 7,200 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 6,100 प्लस हमें क्या निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, एंड लास्ट नेट एक्सपोर्ट कितना दिया है 3,400. कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, ओके, सो द आंसर इज 6,750. ठीक है, मैंने कैलकुलेट किया है, आप एक बार कर लीजिएगा जहां तक ये सही होगा. हाँ ठीक है, तो ये कितना आएगा 6,750 हमारा क्या आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. फिर से समझ लीजिए हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया है. सबसे पहले हमने जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी कैसे आया कि जब हम चारों चीजों को कैलकुलेट करते हैं तब जो निकलता है वो चारों चीजें एक्सपेंडिचर मेथड से वो होता है हमारा जीडीपी एट एमपी. ओके, तो वो जीडीपी एट एमपी को हम पहले कैलकुलेट करेंगे. हमें नेशनल इनकम गिवन था इसलिए हमने उसमें नेशनल इनकम लिखा, प्लस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआई और प्लस एनआईटी होगा. ठीक है, क्योंकि हम नेशनल से ग्रॉस पे जा रहे थे, नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे थे और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जा रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट है, फिर उसको आपने सबको कैलकुलेट किया, आंसर आया 23,450, दैट इज जीडीपी एट एमपी. उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने इसमें जो हमको चारों चीजें दी हुई थी, ठीक है, जीडीपी एट एमपी तो हमको मिल गया,
अब जो चारों चीजें उसको हम क्या करेंगे, फिल करेंगे, यानी कि जो भी हमने अभी चारों चीजें बताई कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, GDCF एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट, उसके थ्रू हमने क्या किया, GDCF निकाल लिया, दैट इज 6750। ओके, तो हमारे GDCF तो आ गया, अब हम निकालेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि इनकम मेथड। चलिए आपने ये सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करें। ओके, अब आता है नेक्स्ट ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब क्या हो गया, इनकम मेथड, ठीक है। चलिए शुरू करें इनकम मेथड को निकालना। अब इसमें भी हमको क्या दिया हुआ है, एनएनपी एट एफसी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं पता है ना, नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, एनएनपी एट एफसी। अब एनएनपी एट एफसी निकालने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, सॉरी एनएनपी एंड एफसी दिया हुआ है तो हम पहले क्या निकालेंगे, एनडीपी एट एफसी, ठीक है। इसमें क्या है, एनएनपी एट एफसी आपको गिवन है और क्या हो जाएगा इसमें, नेशनल से डोमेस्टिक यानी कि माइनस एनएफआईए, एनएनपीएफसी माइनस एनएफआईए। तो यानी कि एनएनपीएफसी कितना दिया होता, 22100। एनएफआईए कितना है, माइनस 150, माइनस माइनस प्लस 150 हो गया ये, तो ये कितना हो गया, 22250, ठीक है, 22250 आ गया हमारा ये, ठीक है। यूनिट लिखना मत भूलिएगा क्योंकि मार्क्स जो है यूनिट के भी डिडक्ट हो जाते हैं। चलिए ठीक है, तो क्या आ गया, ये हमारा एनडीपी एट एफसी आ गया। अब एनडीपी एट एफसी जो हम निकालते हैं, इनके एनडीपी एट एफसी हम कब निकालते हैं, जब हम क्या निकालते हैं, इनकम मेथड से हम जब कैलकुलेट करके, इनकम मेथड में क्या क्या होता था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्सड इनकम। हमने लास्ट वीडियो में भी ये फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हमें वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक है। तो वो जब चारों चीजें हम कैलकुलेट करते हैं तब हमारा एनडीपी एट एफसी आता है। तो एनडीपीएट एफसी हमने निकाल लिया है और एनडीपीएफसी हमें गिवन था, तो एनडीपीएट एफसी, अब एनडीपी एट एफसी के थ्रू हम क्या निकालेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। अब देखिए हमें ये सारी चीजें गिवन है, इसमें एनडीपीएट एफएफसी कितना था, 22250, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देखिए कहाँ दिया हुआ है, अरे सॉरी ये है ना वेजेस, सॉरी वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ है, तो हमें वही हो गया 12000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस हमको निकालना है, मिक्स्ड इनकम आपको दी हुई है, मिक्स्ड इनकम कितनी है आपकी, 4800। और देखिए कुछ रह तो नहीं गया इसमें, ओके ओके ठीक है। तो ये 4800, अब इसको क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करके ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4000, तो 12, 4, 16, 16800 में से 22250 को माइनस करेंगे तो 50, ओके, तो 5450 जो है इसका आंसर होगा। एक बार आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये है पूरा मेथड, इसको ये क्वेश्चन जो है आपका 2019 में बोर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन, तो देखिए ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, कंपोनेंट्स को देखिए कि ये हमने कौन से मेथड में पढ़ा था, हर मेथड के कंपोनेंट्स भी पता होना आपको जरूरी है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है,
जो मैंने पहले क्वेश्चंस कराए हैं वो कराने का मतलब ये था कि आपको बेसिक चीज समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन को पकड़ा, उसके ग्रिप को कैसे पकड़ा जाता है, यानी कि हम कैसे क्रॉस से नेट, नेट से क्रॉस पे आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने वो बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। जो से लास्ट वाला क्वेश्चन दिया था ये मैंने आप लोग को बोला है कि मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस लेकर आएंगे बोर्ड्स के और उसमें सॉल्व कराएंगे। ठीक है, स्टिल आपको कोई अगर डाउट हो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।